Welcome class, welcome to Veer Mishra classes, and today is a class for the tally student and accounting student, and today is the topic of the GST. देखिए आज की जो क्लास है tally student के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है GST. अब GST के बारे में बताना चाहूँगा. GST क्या है, GST की फुल फॉर्म के ऊपर बात करते हैं. GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस. देखिए गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस नाम समझ में आ रहा है, यानी गुड और सर्विस से रिलेटेड कोई टैक्स है GST. देखिए अब GST के ऊपर मैं बात बताना चाहूँगा. GST क्या है, एक ऐसा टैक्स है इंडिया में जो कि वन नेशन वन टैक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक ऐसा टैक्स है जिसके रेट्स जो हैं GST के जो रेट्स हैं उससे पहले बताना चाहूँगा GST के बारे में थोड़ा सा और. GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है. क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका टैक्स का बर्डन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने कोई सामान खरीदा गवर्नमेंट से, उसने 100 रुपये का सामान खरीदा और 5 रुपये का मैंने क्या किया टैक्स पे किया, 105 रुपये का. अब मैंने वो 105 रुपये का मैंने गवर्नमेंट को पे डाउन कर दिया कॉस्ट. अब मैं उसको रिकवर कैसे करूँगा, अपना जो बर्डन है ये तो मेरे लिए बर्डन है ना, इसको किस तरह रिकवर करूँगा, शिफ्ट करके. कैसे, अब मेरे पास कोई ग्राहक आएगा, कोई कस्टमर आएगा, उसको मैं कर दूंगा कितने का 120 रुपये का सेल करूँगा, 15 रुपये का मैं अपना प्रॉफिट और 105 रुपये का मेरा कॉस्ट प्लस GST, तो 120 रुपये मुझे मिल गए. फिर वो क्या करे, 140 का सेल करे, फिर उसके बाद 160 में. इस तरह राइजिंग प्राइसेस भी होता रहेगा प्रोडक्ट का और वो शिफ्ट भी ट्रांसफर होता जाएगा किस चीज़ का, कॉस्ट प्लस टैक्स. और एंडिंग में जो इसके ऊपर जो बर्डन पड़ेगा किसके ऊपर पड़ेगा, इनिशियल पर्सन कस्टमर के ऊपर, जो शॉपकीपर है जो कंज्यूमर रहेगा हमारा उसके ऊपर ये टैक्स का पूरा बर्डन पड़ेगा, वही इनिशियली पे डाउन करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाएगा कोई ना कोई प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर जो टैक्स है और अमाउंट कहीं ना कहीं से रिकवर कर पाएगा शॉपकीपर और उसका एंडलिश जो बर्डन है कस्टमर के पास जाएगा. तो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका शिफ्ट किया जा सकता है बर्डन को. एज ए एग्जाम्पल मैंने दे दिया. अब वन टैक्स वन नेशन कैसे है सर, यानी कि इंडिया एक नेशन है, इसमें क्या होगा उसके जो रेट हैं फिक्स डाउन. आपको पता होना चाहिए जो रेट ऑफ GST है वो 5 रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%. 5 रेट हैं, 0%, 5%, 12%, 80% और 28% GST के रेट है, फिक्स है. इस कैटेगरी के अंदर, इस रेट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आते होंगे उसके अंदर, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर अगर जो रेट लगता है 12% लगता है मोबाइल फोन्स के अंदर, अगर दिल्ली में जो मोबाइल फोन खरीदेंगे आप उस पर भी 12% लगेगा और चेन्नई में खरीदेंगे तो भी 12% लगेगा, यानी कि इसका रेट ऑफ ड्यूटी क्या है फिक्स है, यानी इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो फिक्स है रेट, ठीक है ना, इसलिए वन टैक्स वन नेशन कहा जाता है. अब बात आती है GST को कब लागू किया गया, तो 1 जून 2016 को ये GST को लागू किया गया ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे अरुण जेटली जी, ठीक है ना, और उस समय जो हमारे PM थे अभी भी हैं मनमोहन नरेंद्र मोदी जी, उनके रेफरेंस में चालू हुआ था ये GST का टैक्स और इसको लागू किया अरुण जेटली ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हैं, ठीक है ना. अब बात ये आती है सर GST की, रेट भी हमें समझ में आ गया, इसको लागू भी कर लिया, सब कुछ समझ में आएगा, रेट भी फिक्स है. अब GST के अंदर अब दिक्कत ये आती है सर कि इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ GST. देखिए GST के जो टाइप्स है, टू टाइप्स की GST होती है, एक आपकी इंटर स्टेट और एक आपकी होती है इंटर स्टेट, एक आपका होता है इंटर स्टेट, एक होती है आपकी इंटर स्टेट. अब इंटर स्टेट GST वो GST होती है जो कि एक स्टेट के अंदर ही लगती है. मान लीजिए मैं इस समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली के अंदर ही लोकल बाइंग सेलिंग करूँगा, तो ये कौन सी एग्जांपल होगी, कौन सी ट्रांजेक्शन होगी आपकी, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. क्या होगी आपकी, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. अब मान लीजिए मैं यूपी में हूँ, लखनऊ में, और मैं वहाँ से सेल कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को, और वो सेल कर रहा हूँ मैं आपका सहारनपुर भी आपका यूपी में पड़ता है, तो इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रा स्टेट, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन. अब देखिए इंट्रा स्टेट GST के अंदर भी दो पार्ट है, एक आपका CGST और एक आपका SGST. CGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम समझ में आ रहा है, यानी कि और एक आपका होता है आपका SGST. SGST की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है. तो देखिए जब ये दोनों आ रहे हैं CGST और SGST इंटर स्टेट के अंदर, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ कहाँ पर, दिल्ली में, और दिल्ली में मैं रहता हूँ सीमापुरी में, और मैं खरीद रहा हूँ कहाँ से, चाणक्यपुरी से, वो भी पड़ता है कहाँ पर, दिल्ली में ही, तो बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ, तो ये क्या है इंटर स्टेट का एग्जाम्पल हो गया, समझ रहे बात को. तो इसके अंदर जो 12% लगेगा तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा,
कितना परसेंट? 6-6%, ठीक है ना। तो 6% आपका सीजीएसटी को जाएगा, 6% आपको स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब सीजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट, ठीक है ना। सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा? सीजीएसटी का पोर्शन। क्या जाएगा? सीजीएसटी का पोर्शन। और एसजीएसटी का पोर्शन किसके पास जाएगा? स्टेट का के पास, क्योंकि आप बाइंग सेलिंग क्या कर रहे हैं, स्टेट में भी कर रहे हैं और सेंट्रल के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों मिलके बटेगा जो टैक्स का रेट आएगा। 6-6%, अगर 18% लगा किसी गुड एंसेसर पे तो 9%, 28% लगा 14-14%, 5% लगा तो 2.5%, 0% लगा तो 0-0 जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेट हैं, डिवीजन होंगे इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी की ट्रांजेक्शन। अब बात आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जो दो स्टेट के बीच में होती है। सपोज दैट, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और दिल्ली में सेलिंग कर रहे हैं, या और तो ये क्या है, आप दिल्ली तो अलग हो गया, फिर से ऑल्सो एनसीटी ऑफ दिल्ली हो गया, और आपका यूपी क्या हो गया, अलग स्टेट हो गया। तो यहाँ पर ये किसी का एग्जांपल हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सपोज आप महाराष्ट्र में रहते हैं मुंबई में, और वहाँ से आप सूरत पड़ता है गुजरात में, वहाँ पर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या एग्जांपल है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका? और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर एक ही सब हेड आता है आपका आईजीएसटी। क्या आता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होगी आपकी इंट्रा स्टेट गुड एंड सर्विस ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो आईजीएसटी जो है एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो कि लागू होगा जब दो स्टेट के बीच में लेन देन होगा। सपोज दैट मैं नोएडा में रहता हूँ और बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ मैं गुड़गांव में। नोएडा पड़ता है सर आपका यूपी में और गुड़गांव पड़ता है आपका हरियाणा में। तो ये ट्रांजेक्शन होगी आपका इंटर स्टेट। क्या होगी आपका? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो यहाँ पर जो टैक्स का जो रेट है आपका डिवीजन नहीं होगा, एक ही रहेगा। अगर 12% है 12%, 18% है तो 18% और 28% है 28% रहेगा। तो ये अंतर आपका इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में। इंटर स्टेट के अंदर दो हेड आते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का पोर्शन सेंट्रल के पास जाएगा, एसजीएसटी का पोर्शन स्टेट के पास जाएगा, और आईजीएसटी का पोर्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जीएसटी की एक बेसिक क्लास, और आने वाली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जीएसटी का इन आवर क्लासेस। थैंक्स।